आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान को लेकर अलीगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराने को लेकर जमकर हंगामा काटा। बजरंग दल महानगर संयोजक ने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राजनेताओं के विवादित बयान राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा का विषय बन जाते हैं और विपक्षी पार्टियों द्वारा इन बयानों के खिलाफ हंगामा करना राजनीतिक परंपरा सी बन चुकी है। इसकी एक वानगी आज अलीगढ़ में देखने को मिली, जहां बजरंग दल कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान की बजरंग दल ISI से पैसे लेता है, गैर मुस्लिम ISI के लिए जासूसी का काम करते हैं। इस बयान के विरोध में बजरंग दल के महानगर संयोजक ने अलीगढ़ के कुआरसी थाने में दिग्विजय सिंह के नाम तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल महानगर संयोजक ने कहा कि ISI आतंकवादी संगठन है, जबकि बजरंग दल देश के हित में काम करता है। दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया बयान निंदनीय है। दिग्विजय सिंह एक देशद्रोही है, जिनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की जानी चाहिए। अलीगढ़ से लाइव टुडे के लिए संवाददाता बबलू खान के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। लगभग 1:30 बजे या उससे हो सकता है पहले एक समाचार देखा सोशल मीडिया पर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक बयान दिया कि बजरंग दल के लोग पाकिस्तानी एजेंसी है ISI उसके लिए काम करते हैं, उनसे फंडिंग ले रहे हैं। और उसी बयान में उन्होंने आगे एक बात और कही जो कि शायद मुझे नहीं लगता कोई हिंदू इस बात को कहेगा। उन्होंने कहा कि जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं देश के अंदर, वो सभी ISI के द्वारा पाकिस्तान को देश की गोपनीय सूचना को बेचते हैं, यानी उनसे पैसा लेते हैं। मैं यहाँ बजरंग दल महानगर संयोजक होने के नाते यहाँ एक मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ। एक प्रार्थना पत्र मैंने थाना कुआरसी में दिया। क्या कही है कुआरसी? कुआरसी इंस्पेक्टर ने बोला है, मेरी कप्तान से भी बात हुई है आज, तो कप्तान साहब ने बोला है कि शाम तक आपको FIR कॉपी मिल जाएगी। क्या प्रेयर किया है उसने? उसमें यही प्रेयर किया है कि एक तो जो इन्होंने हिंदू धर्म के हिंदू धर्म को जो ठेस पहुँचाने का काम किया है, और जो भी जो इन्होंने बजरंग दल के लिए बोला है, सभी को पता है कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो कि देश हित में काम करने वाला है। मैं दिग्विजय सिंह से अनुरोध करूंगा, वैसे अनुरोध करने लायक है नहीं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि अपनी भाषा को मीडिया में बिगाड़ूं। मैं अनुरोध करूंगा एक बार बजरंग दल के कैंप में आए, फिर उन्हें पता चलेगा कि यहाँ देशभक्त पैदा होते हैं या देशद्रोही। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम इस पर जो भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उस प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई इनके ऊपर हो, और हिंदू समाज के लिए दिग्विजय सिंह नहीं, देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, अपने बयानबाजी को हिसाब से और ठीक से दें, ऐसी बयानबाजी ना दें कि सीधे सीधे हिंदू समाज को आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया जाए।